अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम एंड हरीम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र हम सब भी ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने स्टिच किए हैं अपनी बेटी के सूट्स, विंटर कॉटन के। इसका स्टफ़ काफ़ी मोटा है और ये मैंने खुद ही सिलाई किए हैं, सिंपल से ड्रेस हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये एक एक करके। जी ये देखें, ये है पहला ड्रेस, रेड और वाइट ब्लैक फ्लावर्स हैं इसमें। ये सिंपल सी नेक है इसकी और ये मैंने ए लाइन बनाया है। और नीचे से आप इसकी लुक देखें तो ये कुछ इस तरह से है, ए लाइन है, साइड पे कलियां डाली हैं ट्राउज़र के फैब्रिक की, और बीच दरमियान वाला जो पैनल है इसको हमने ऐसे ही सीधा रखा है, बिल्कुल प्लेन। ये शर्ट का कपड़ा था, ये देखें ये। और इसके बाजुओं पे मैंने ये फ्रिल लगाई है और ये छोटी छोटी सी लेस लगाई है तब प्रोमिनेंट करने के लिए। ये देखें ऐसे ही दोनों बाजुओं पे, और ये इसके ये देखें कली जो है वो यहाँ तक आ रही है बिल्कुल। ये आप ये, और अब आप इसका नेक देखें, पहले नेक बिल्कुल राउंड बनाया मैंने और ये बिल्कुल सीधी लाइन यहाँ से कट करके, तो इधर से मैंने ये नेक बनाई है इसकी, तो दिखाती हूँ। ऊपर मैंने ये हैंडमेड बटन लगाए, सिंपल से बटन को जो है वो मैंने ब्लैक कलर के साथ करके ऊपर इसके, तो ये मैंने लगाए हैं। ये देखें इसके अंदर मैंने इसको स्टिच बटन लगा दिए ऐसे। और इसका दूसरा बाजू ये बिल्कुल स्ट्रेट पैनल, और बैक से भी बिल्कुल सिंपल है, बैक पे कुछ भी नहीं, जो फ्रंट पे है सेम ऐसे ही बैक पे है, बिल्कुल सिंपल सा है। और इसका ये सिंपल सा इसका ये ट्राउजर्स, ये देखिए दिस इज द फाइनल लुक। अब मैं आपको इसको ना बच्चे के पहना के भी दिखाऊंगी कि इसके कितना अच्छा और फ्रेश कलर है। ठीक है, अब मैं आपको सेकेंड वाला दिखाती हूँ, शो करती हूँ। अगर जी देखें ये दूसरा कलर है, मैरून इसका कलर है, इस पर ये गोल्डन सा पेस्टिंग वाला वर्क हुआ हुआ है। ये मैंने इस देखिए इसकी फुल लुक, ये फ्रॉक है देखें ये, और ये इसका ट्राउज़र मैं आपको दिखाती हूँ। सिंपल सा इसका ट्राउज़र है, इसके ऊपर मैंने ये लेस लगाई हुई है, बिल्कुल सादा सी लेस, देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बच्चियों के छोटे छोटे बच्चियों की ये जो है वो ज़्यादा फैंसी जो है वो इतने अच्छे अट्रैक्टिव नहीं लगते, सिंपल सी डिज़ाइनिंग ही बहुत क्यूट लगती है। ये देखिए ये इसका मैंने कॉलर नेक बनाया है, बिल्कुल सिंपल सा राउंड से साइड से गोल इसको राउंड शेप दे दी है मैंने। ये 4 इंच का मैंने लिया था, इसकी चौड़ाई जो थी वो 4 इंच थी, और लेंथ जो आपकी बेबी का नेक है उसके राउंड उसको कैलकुलेट करके कितने इंचज़ है उसके उसकी लेंथ उतनी ले लें और साइड से राउंड कर दें, तो ये राउंड नेक जो है वो बहुत प्यारा लगता है। ये सिंपल सी बटन पट्टी मैंने इधर बनाई है, देखते हैं सिंपल ही बटन पट्टी बनाई है, छोटी सी पेटी इसकी रखी है, देखिए 3 बटन इसके लगा दिए। और ये इसका बाजू है, बाजू पे ये आप दिखाऊं मैं आपको, ये इसके थोड़े कम बन रहे थे तो मैंने ये गुम जो है वो गुम सिलाई के साथ ये इसका आगे से जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है। ये देखें आपको सिलाई कहीं नज़र नहीं आएगी, ये बैक से भी और फ्रंट से भी, मैं क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये ऊपर से मैंने रख के बाद में सिलाई लगाई है ताकि वो थोड़ा बैठ जाए कपड़ा। और इसके नीचे अब देखें ये जो मैंने प्लेट्स डाले हैं 2-2 इंच के डाले हैं, 1 इंच ये फ्रंट पे और 1 इंच इसके अंदर वाली साइड पे, सिंपल से हैं जो ये देखें हम इतने सारे ये इतने ही आपने इसको मेजर कर लेना जितनी आपकी पेटी की इसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई 14 इंच थी तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही इसके प्लेट्स डाले हैं। और ये नीचे से देखें फ्लेयर काफ़ी हो गया, जितना ही कपड़े का अर्ज़ था मैंने उतना ही ये बनाया है। नीचे ये बिल्कुल लेस लगाई है मैंने, सिंपल सी लेस, वो जो देखें बहुत प्यारा लग रहा है ड्रेस। और अगर आपको ये ड्रेसेस पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।